नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपने बात करेंगे रीट लेवल सेकंड के अंदर आधार किन किन प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेगा। सभी सभी सीरीज के लिए है ये। जो भी सीरीज है, मैं इस वीडियो के अंदर जो प्रश्न है जिसमें डिलीट होने की संभावना है, इस वीडियो में वो प्रश्न अपने बात करेंगे। और दोस्तों, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि जो सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो सारे डिलीट होंगे। इसमें कई क्वेश्चनों में डाउट है जो डिलीट हो सकते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक संभावना है वहाँ तक ये सारे क्वेश्चन डाउट हैं। कईयों में दोनों क्वेश्चन दोनों ऑप्शन सही हैं, कईयों में चारों ऑप्शन सही है, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस RS स्टडी ट्रिक चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली इस घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो कोई भी अपलोड हो तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आपको मिल जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर डाउट है उसकी बात कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक विशेष स्तर तक बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी और सी अर्थात पूर्ण संचालक, औपचारिक संचालन, ये दोनों ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन आता है, रचना शिक्षण के उद्देश्य है अर्थात रचना शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होने चाहिए। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, साहित्य सर्जन की प्रेरणा, वस्तुनिष्ठता, सुसंबद्धता बनाना, ये तीनों ऑप्शन इसमें क्या है, राइट है। चलो दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें डाउट है वो कौन से है जिसको आपको बोनस अंक मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आगे क्वेश्चन आता है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर इसमें जो इंग्लिश टाइप है उसके अंदर और जो हिंदी के अंदर, इन दोनों में तालमेल नहीं है अर्थात, जिसका मतलब इंग्लिश में कुछ और निकलता है और हिंदी के मतलब कुछ और निकलते हैं, इस कारण से इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है थोड़ा। आगे जो क्वेश्चन आता है वह आता है, सी सी ई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित से नहीं है। तो दोस्तों, इससे इसके अंदर एक से ज्यादा इसमें आंसर आ रहे हैं, इस कारण से ये जो क्वेश्चन है इसमें बोनस मिलने की संभावना है। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे जो क्वेश्चन आता है, वह विद्वान सब जगह पूजा जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो इसके अंदर जो क्या प्रयुक्त हुआ है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है, इसका जो प्रॉपर आंसर है वो नहीं है। आगे देख लेते हैं अपने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 के अंदर जो पुरुष साक्षरता दर थी वह इसके अंदर जो ऑप्शन है चारों में से नहीं है, क्योंकि इसमें जो 10th की एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर कुछ और दे रखा है, लेकिन यहाँ चारों विकल्प में उसके से मैच नहीं हो रहा है, इस कारण से इस क्वेश्चन में डाउट बना हुआ है, बोनस अंक मिलने की संभावना है। आगे क्वेश्चन है, आगे पिक ऑफ द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड जेनरिक। इसके अंदर जो जेनरिक आपको शब्द बताना था, इस चारों ऑप्शन में से इसका आंसर नहीं है। आगे जो क्वेश्चन आता है वह आता है, निम्न में सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसके अंदर इसके जो चारों ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं, इस कारण से क्वेश्चन पर बोनस मिलने की संभावना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है, समायोजना प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगत तो बहुत से विरोधी भाषी परिस्थितियों से गुजरते हैं, उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक सामने अपनी गतिविधियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्नलिखित में से किसके मापेक्ष में से अच्छी तरह समझाया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर जो बोर्ड ने इसको सही माना है वो ऑप्शन नंबर सी को सही माना है, पद्धति वर्जन, विरोधाभासी परिस्थिति, लेकिन जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो भी सही है। आगे जो क्वेश्चन आता है इसका वो है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है, असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चरित्र का पूर्णांक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है। आगे जो क्वेश्चन है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय को लोकोक्ति कौन सी है। तो दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए और सी ऑप्शन नंबर दोनों सही है, इस कारण से इस क्वेश्चन के अंदर जो बोनस अंक मिलने की संभावना है। आगे क्वेश्चन आता है,
निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग किए जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? इसके अंदर दोस्तों बोर्ड ने इसको सी ऑप्शन नंबर माना है, वाणिज्य संश्लेषक, और इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी सही है। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों पैसेज है, इसके अंदर पैसेज के अंदर इसका जो आंसर आता है, विच इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, अर्थात पैसेज का जो टाइटल है वो कौन सा आएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो दोस्तों ये कुछ डाउट क्वेश्चन थे जिन्होंने मैंने प्रॉपर इसकी सीरीज नहीं उठाई, अर्थात क्वेश्चन उठाए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो डाउट क्वेश्चन होंगे इन्हीं में से होंगे और जो आपको बोनस अंक मिलेगा और आपको सबसे ज्यादा इसी से फायदा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी का किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। चलो दोस्तों मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।